गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रक्षा जायसवाल। आज मैं आपको कंप्यूटर आईसीटी क्लास टेंथ एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 2 एडवांस जीआईएमपी पढ़ाऊंगी। यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जीआईएमपी सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है, फीचर्स ऑफ जीआईएमपी, एडवांस टूल्स ऑफ जीआईएमपी, एडिटिंग द इमेजेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करते हैं और लेयर को कैसे इमेजेस को मर्जिंग करते हैं, कैसे 2-3 इमेजेस यूजिंग लेयर्स मर्जिंग करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन यूजिंग परस्पेक्टिव टूल्स, अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट एंड इमेज यूजिंग मास्किंग ऑप्शन। अब हम जीआईएमपी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जीआईएमपी इज कॉल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म फोटो मैनीपुलेशन टूल्स। जीआईएमपी को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म फोटो मैनीपुलेशन टूल्स, ये क्या करता है, विंडोइंग सिस्टम पे ये प्लेटफॉर्म का वर्क करता है। इसे मैथ में भी हम यूज कर सकते हैं। और जीआईएमपी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज कवर्ड बाई जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस का फुल फॉर्म GPL है। GPL क्या करता है, यूजर्स को प्रोवाइड करता है फ्रीडम एक्सेस। ये क्या होता है, एकदम फ्रीली एक्सेस होता है। इसका सोर्स कोड, यू विल लर्न एडवांस टूल्स। इसके इसमें हम एडवांस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। GIMP यूज्ड गिवन गिव डिफरेंट प्रोजेक्शन टू द इमेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसमें फर्स्टली है रिव्यू ऑफ GIMP कवर्ड इन क्लास 9th। हम लोग GIMP को क्लास 9th में कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम GIMP एडवांस टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। GIMP इज ए GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसमें क्या कहते हैं, ये एक ओपन ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग होता है। इसमें रीटचिंग होता है, ऑथरिंग होता है, कंपोजिशन ऑफ फोटो। इट कंसिस्ट ऑफ फीचर सिमिलर टू वन प्रोवाइडेड अदर अवेलेबल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम बहुत सारे फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। ये क्या है, एक फ्रीली सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं www.gimp.org साइट से। अपने लैपटॉप में हम इसे लोड कर सकते हैं। और GNU लाइनक्स क्या है, एक GIMP स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। GIMP आल्सो अवेलेबल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, एप्पल में, मैक ओएस एक्स, डेबियन में। यहाँ पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ GIMP। इट कैन बी यूज, इसे क्या करते हैं, सिंपल पेंट में यूज करते हैं, एक्सपर्ट क्वालिटी फ़ोटो रीटचिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं, ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में भी हम इसे यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड मास प्रोडक्शन इमेज प्रोड्यूसर। इसमें हम डिफरेंट तरीके के मॉडल्स यूज करते हैं। एडवांस स्क्रिप्टिंग इंटरफेस अलाउ एवरीथिंग फॉर सिंपलेस्ट। इसमें हम बहुत सारे इमेजेस को मल्टीपल मैनिपुलेट करते हैं, इजीली स्क्रिप्टेड करते हैं। इसमें हम इमेजेस फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं, कन्वर्ट फाइल सेव कर सकते हैं। इसमें जो GIF इमेजेस है वो JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं, GIF, TIF में और ETC। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एनिमेशन को लेयर फॉर्मेट में। इनमें वर्चुअली अनलिमिटेड इमेजेस को हम ओपन कर सकते हैं एट ए वन टाइम में। GIMP वर्क्स न्यूमेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या इंक्लूड होता है, लाइनक्स होता है, मैक ओएस होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें हम अब पढ़ेंगे टूल बॉक्स पढ़ेंगे। ये एक टूल बॉक्स है, ये इतने हैं। इसमें सबसे पहले है रेक्टेंगल टूल बॉक्स।
इसमें सबसे पहले है रेक्टेंगल टूल बॉक्स। रेक्टेंगल टूल बॉक्स ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये सर्कल की तरह है, ओवल स्लैक टूल है, ये एक रस्सी की तरह है, ये लैसो टूल है, ये एक पेंसिल की तरह है, फजी स्लैक टूल है, ये सिलेक्ट बाय कलर, इसे हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सीजर कैची की तरह है टूल, ये फोरग्राउंड सिलेक्ट टूल है, और ये पाथ टूल है, इसे हम पाथ कर सकते हैं, ये कलर पिक्टेल टूल है, इसे हम जूम कर सकते हैं, ये मेजर टूल है, ये मूव टूल है, यहाँ पे इसे हम राइट लेफ्ट अप डाउन सब कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट टूल इसे भी हम कर सकते हैं सेम, ये क्रॉप टूल है, इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, ये रोटेट टूल है, ये स्केल टूल है, ये शेड टूल है, ये रेक्टेंगल स्टेट टूल है। और आगे हम देखते हैं ये फ्लिप टूल है, ये केस ट्रांसफॉर्म इसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये बकेट है कलर्स, और ये ब्लेंड टूल है, ये पेंसिल टूल है, ये प्लेन ब्रश टूल है, ये इरेज इसे इरेज कर सकते हैं, ये एयर ब्रश टूल है, ये इंक टूल है, ये क्लोन टूल है, ये हिल टूल, परस्पेक्टिव टूल, ये इसे ब्लर हम सॉफ्ट पेन कर सकते हैं, स्मज टूल है, ये डच टूल है, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर। ओके, यहाँ फर्स्टली हम पढ़ेंगे, जनरली हम क्लास 9th में इसे हम पढ़ चुके हैं बेसिक से, अब हम क्लास 10 में इसे एडवांस में हम पढ़ेंगे, एडवांस टूल, इसके कुछ एडवांस टूल के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्टली है ये मूव टूल, मूव टूल IM, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, इसे हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स सेलेक्शन पाथ और गाइड कर सकते हैं पाथ को, ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट को। ये सेकेंड क्या है, अलाइन टूल क्यू, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अलाइन टूल यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसे अलाइनमेंट कर सकते हैं इमेजेस लेयर को, वेरियस इमेज ऑब्जेक्ट्स को। अब हम आगे पढ़ेंगे स्केल टूल्स के बारे में, स्केल टूल्स क्या है, स्केल टूल्स ये शिफ्ट टी, इसका इसको हम शिफ्ट से स्केल कर सकते हैं, स्केल टूल इज यूज टू स्केल लेयर्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये शेयर टूल है, इसे शिफ्ट एस से हम इसे प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, किसी डायरेक्शन को मूव करना है या चेंज करना है तो यहाँ पे शेयर टूल इज यूज टू शिफ्ट वन सेलेक्टेड पार्ट एंड इमेज, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाथ को डायरेक्शन को हम सेलेक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली शेयर भी कर सकते हैं, अपर पार्ट को राइट पार्ट में, लोअर पार्ट को लेफ्ट पार्ट में, इसे हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये परस्पेक्टिव टूल्स है, परस्पेक्टिव टूल्स को हम देखते हैं, परस्पेक्टिव टूल्स इज यूज टू व्यू द इमेज, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को देखते हैं, डिफरेंट डायमेंशन द एक्टिव लेयर, इसमें क्या होता है डिफरेंट डायमेंशन, इसमें डिफरेंट तरीके से हम इसे परस्पेक्टिव कर सकते हैं इमेजेस को। फिर आगे हम पढ़ेंगे फ्लिप एंड इमेजेस, इस फ्लिप एंड इमेजेस से हम देखेंगे कि इसे हम फ्लिप कर सकते हैं, इसमें इन ए फोटो द फेस ऑफ ए पर्सन लेफ्ट साइड डायरेक्शन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें पर्सन को लेफ्ट साइड डायरेक्शन से हम कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोटेट एंड इमेजेस, इसमें इमेजेस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ब्लेंड टूल एल, इसमें क्या करते हैं हम ब्लेंड टूल से,
blend tool. Blend tool is used to flip select area. इसे हम क्या कर सकते हैं, blend कर सकते हैं foreground and background colors को. दिस कलर कैन बी मोडिफाइड द चेंज कलर ऑफ द ग्रेडियंट. इससे हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं. और 2.9 ब्लर एंड शार्पन टूल. इससे शिफ्ट यू से भी हम ब्लर कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं. जो कभी इमेजेस होते हैं तो शार्पन में से इससे इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट होता है. इससे इमेजेस क्या होता है, करेंट ब्रश से हम शार्पन कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट हो सकता है ब्रश को अप्लाई करेंगे तो. और स्मर्ज टूल में क्या होता है, स्मर्ज टूल से हम कर सकते हैं स्मर्ज कलर्स को एक्टिव लेयर से सिलेक्ट कर सकते हैं. इसमें एक कलर मिक्स करके कई सारे कलर नेक्स्ट कलर हम बना सकते हैं. डज बर्न टू शिफ्ट डी. डज टूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो करेंट ब्रश है उसे हम लाइट कर सकते हैं. और डज टूल से हम लाइट कलर कर सकते हैं, बर्न टूल से हम डार्क कर सकते हैं. और मोड से विच टाइप ऑफ पिक्सल आर अफेक्टेड. मोड से क्या आता है, जो पिक्सल टाइप्स के हैं वो अफेक्टेड कर सकते हैं. और इरेज टूल जो है तो हम वहाँ से माउस से क्लिक करके कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शिफ्ट ई कर से के भी हम यूज कर सकते हैं. इरेज टूल क्या करता है, क्लासिकल इरेज करता है. इससे हम इस टूल को कैनवस, अगर कोई चीज़ इरेज करनी है तो हम उससे इरेज करते हैं. ओके अब आगे हम पढ़ेंगे पेंसिल टूल जनरली यूज होता है. जैसे कोई चीज़ हमें पेंसिल से लिखनी हो, जैसे हमें अभी ऐसे लिखना है, तो इसलिए ये पेंसिल टूल से ही से हम लिख सकते हैं. ओके और रियल पेंसिल टू ड्रा, इसे हम मतलब कोई पेंट भी बना सकते हैं. सिमिलरली द टूल एंड ड्रैग द कैनवस ड्रा द पेंसिल टूल. पेंसिल वर्क जैसे हम कॉपी पे पेंसिल से लिखते हैं, उसी सेम हम कंप्यूटर पे भी एक पेंसिल टूल्स होता है उससे भी हम लिख सकते हैं. पेंट ब्रश टूल, ये जो हम यहाँ पे इस पे हम लगा रहे हैं ये ब्रश से, तो इसे हम पेंट ब्रश से हम कोई चीज़ ब्रश कर सकते हैं. यू आर वेयर पेंटिंग कर सकते हैं. क्रिएट स्पेशल इफेक्ट ऑन लाइक स्पेशल टू ब्रश टूल ड्रा बोथ है फील एंड आउटलाइन. इसे हम ब्रश से आउटलाइन भी कर सकते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे स्टेप टू यूज द टूल स्टेटेड एबव यूज्ड इन GIMP और एज फॉलोज. इसमें मूव टूल एम पढ़ेंगे 3.1. इसमें क्या है, मूव टूल क्या करता है, मूव लेयर को करता है, सेलेक्शन करता है, पाथ करता है, गाइड करता है. इट वर्क्स ऑन टेक्स्ट. ये क्या करता है, टेक्स्ट के लिए मूव करता है. इसमें क्या आता है, जो टूल होता है वो एक्सेस होता है डिफरेंट वे में. और इसमें इमेजेस जो मेनू बार है वो हम यूज करते हैं टूल ट्रांसफॉर्म्स टूल्स फिर मूव. तो हम क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं. अब कोई हमें आइकन चूज करना है तो हम आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से शॉर्ट एम यूज करेंगे, फिर ये जो मूव टूल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट ए गाइड. इसमें टू यूज सिंपली क्लिक कैनवास एंड ड्रैग द सिलेक्शन इन डिजायर्ड लोकेशन. इसमें हम इम्पोर्टेंटली हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लोकेशन पे ला सकते हैं. अब इसमें हम पढ़ेंगे मूव टूल ऑप्शन में है ये आपका ये फिगर आप देख रहे हैं. ये फिगर जो है ये लेयर है इसे हम मूविंग कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं सिलेक्शन का ये पाथ है, डायरेक्शन आपका बताएगा. ये क्या करेगा, पिक ए लेयर और गाइड. और ये क्या करेगा, मूव द एक्टिव लेयर. इसमें मूव टूल ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टूल जो एक्टिवेट कर सकते हैं और हम एक्सेस कर सकते हैं. इसमें टूल ऑप्शन है जो उसे हम विंडो अटैच्ड होता है उस टूल बॉक्स से हम एक्टिवेट कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया है. एक्सेस कर सकते हैं इमेजेस को मेनू बार के थ्रू. इसमें विंडो जो है वो डक
एबल विंडोज ओपन करेंगे, फिर उसके बाद टूल ऑप्शन में जाके ऑप्शन विंडो सेलेक्ट करके टूल्स आ जाएंगे। फिर अब यहाँ हम कैसे करेंगे ये एक इमेजेस, ये एक लेयर कैसे वर्क करता है इसमें हम देखेंगे। इफ़ मूव ईच वन लेयर, जैसे यहाँ टू डिफरेंट टाइप के रहेंगे इमेजेस, तो वो कैसे एक दूसरे पे मूव करेंगे इससे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे एक लेयर से दूसरे लेयर पे मूव करते हैं। जैसे टू इमेजेस रहेंगे तो एक इमेजेस पे दूसरा इमेजेस कैसे रहेगा इसको हम देखेंगे। मूव ईज ऑन सेलेक्शन, द सेलेक्शन आउटलाइन विल मूव्ड। मूव ईज ऑन पॉथ, माउस पॉइंटर टर्न्स ऑन स्मॉल हैंड। इसमें क्या करेंगे, विजुअल पाथ पे जाएंगे हम, इसमें क्लिक एंड ड्रैगिंग करेंगे, इट विल बी एक्टिव पाथ फाइल। इसमें जैसे एक इमेजेस है तो इसी पे एक लेयर दूसरे लेयर पे ये सेट हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं मूव टूल ऑप्शन। इसमें हम एक दूसरे पे एक इमेजेस दूसरे इमेजेस से मूव कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं, इस पर किप भी कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है कि मूव को क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के हम इसे कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द इमेज इज मूव्ड। ये क्या हो गया है कि एक पेज रहा होगा सिंपल वाइट पेज, तो उस पे हम इस इमेजेस को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलाइन टूल। अलाइन टूल से हम क्या करेंगे, अलाइन टूल्स क्या होता है, अलाइन टूल इज यूजफुल टू अलाइन द इमेज लेयर। इसमें जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, टूल को सिलेक्ट करते हैं, माउस पॉइंटर्स, इसमें स्मॉल हैंड्स होते हैं, आपने देखा होगा माउस में राइट होता है, लेफ्ट होता है, स्क्रोल बटन होता है, तीन बटन होते हैं। इसमें हम क्लिकिंग करेंगे एलिमेंट पे तो हम इसमें मूव कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस क्लिक, और चूज सेवरल लेयर टू अलाइन। इसमें हम बहुत सारे लेयर को, सेवरल लेयर्स को अलाइन कर सकते हैं। इसमें अदर इमेजेस को भी ऑब्जेक्ट लेयर कर सकते हैं, अदर लेयर सेलेक्शन पाथ, और हम सेलेक्ट लेयर करके अलाइन, और इस चीज़ को हम क्या करते हैं टारगेट, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं टारगेट। यहाँ आप देख रहे होंगे इसे हम क्या कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टारगेट। यू कैन एक्टिवेट द अलाइन टूल इन सेवरल वे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टूल जो है वो ट्रांसफॉर्म टूल्स पे जाएंगे, फिर अलाइन पे जाएंगे, फिर क्लिकिंग द टूल आइकन, फिर टूल बॉक्स, फिर बाय यूजिंग द क्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं अलाइन टूल के बारे में, ये जो फिगर है इसमें हम देख सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाइन टूल ऑप्शन, तो यहाँ पे इसमें हम कर सकते हैं, दिज बटन है, अलाइन सेलेक्टेड कर सकते हैं, लेफ्ट एज, हॉरिजॉन्टल, मिडिल, राइट एज, टॉप एज, वर्टिकल, निबल, मिडिल, बॉटम ऑफ द टारगेट। इसमें हम ये सारे ऑप्शन कर सकते हैं, जो ये सारे ऑप्शन हैं, हॉरिजॉन्टल, मिडिल, राइट एज, टॉप एज, वर्टिकल, बॉटम ऑन द टारगेट, इन सब चीज़ से हम इमेजेस को अलाइन कर सकते हैं। द ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम रिलेटेड टू ऑप्शन पॉजिटिवली ऑन द सेट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, और ये डिस्टेंस, ये सेपरेटेड जो सेलेक्टेड लेयर होते हैं वो एस से डिनोट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेजेस में आप देख रहे हैं कि ये अलाइन किया गया है, तो ये जो ब्लू वाला है वो यहाँ पे आ गया है। इमेज यूजिंग डिफरेंट अलाइनमेंट, ये डिफरेंट अलाइनमेंट यूज करके हम यहाँ पे ऐसे, ये फिगर जो फर्स्टली है वो सेकेंड में, ऐसे डिफरेंट अलाइनमेंट यूज करके ये फिगर आया है। द टारगेट अलाइनमेंट इज परफॉर्म्ड। इसमें क्या है, ऑफसेट लेफ्ट एजेस है, जो हॉरिजॉन्टल सेंटर्स है, राइट एजेस है, टॉप एजेस है, वर्टिकल सेंटर्स, बॉटम ऑफ टारगेट, ये सब अलग अलग चेंज होके ये इस टाइप्स के इमेजेस आए हैं।
अब हम पढ़ेंगे स्केल टूल। स्केल टूल को हम कीबोर्ड से शिफ्ट टी से भी ला सकते हैं। और तो इसमें स्केल इमेजेस में क्या है, स्केल इमेजेस में हम क्या कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, फिजिकल साइजेस जो होते हैं उन इमेजेस को चेंजेस कर सकते हैं, पिक्सल कंटेंट्स में जो साइजेस होते हैं वो इमेजेस रिसाइज कर सकते हैं कैनवास अकॉर्डिंगली। ओके, फिर इसमें क्या है, इमेजेस जो है मेनू बार होता है वो इमेजेस क्या होता है, स्केल इमेजेस होता है। तो स्केल इमेजेस से हम क्या कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टी से। पिक्सेल को क्या करता है, पिक्सेल को फिजिकल चेंज करता है, पिक्सेल को क्या करता है, फिजिकल चेंज करता है इसमें। फिर आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेजेस पे, स्केल इमेजेस पे जाएंगे, फिर ये आप इमेजेस देख रहे हैं। यू कैन एक्सेस द कमांड फ्रॉम द इमेजेस मेनू बार थ्रो इमेज स्केल इमेजेस। इसमें हम देख रहे हैं क्लिक एन इमेज स्केल इमेजेस, ये आप एक इमेज देख रहे हैं। इसमें क्या है, इमेजेस पे हम जा रहे हैं तो GIMP हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करेंगे, उसमें इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस पे जाके स्केल इमेजेस पे जाएंगे। स्केल इमेजेस से हम क्या कर सकते हैं, स्केल इमेजेस से जाके हम वहाँ पे हाइट विड्थ ये सब चेंज करेंगे। अगर विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी अपने आप चेंज हो जाएगी इमेजेस की। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट द विड्थ एंड हाइट एंड क्लिक ऑन द स्केल। जैसे आप देख रहे हैं ये विड्थ 9041 है, ये हाइट 9040, ये विड्थ 9040 है, ये हाइट 9041 है, और यहाँ पे स्केल है। ये क्या है, आफ्टर स्केलिंग। पहले स्केल क्या था, पहले स्केल ऐसे था बिफोर, फिर ये क्या हुआ, स्केल ऐसे हो गया। स्केल में क्या होता है, फिजिकल फिजिकल जो है वो फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं इसमें, इसके हाइट विड्थ में। ओके, अब हम क्या यहाँ पढ़ेंगे शेयर टूल के बारे में। शेयर टूल के बारे में इसमें क्या है, शेयर टूल इज यूज्ड शिफ्ट वन पार्ट ऑफ एन इमेजेस ए लेयर सेलेक्शन और ए पाथ टू ए डायरेक्शन टू अदर अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इमेजेस होते हैं वो अदर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग विल शिफ्ट द अपर पार्ट ऑफ राइट एंड लोअर पार्ट टू द लेफ्ट। इसमें हम यूज कर सकते हैं शेयर टूल इन सेवरल वे। इसमें हम टूल्स को बहुत सारे तरीक़ों से हम यूज कर सकते हैं। ये जो इमेजेस मेनू टॉप है इसमें टूल्स क्या है, ट्रांसफॉर्म टूल्स यूज करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म टूल पे जाके फिर शेयर पे जाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, क्लिकिंग टूल आइकन पे जाएंगे, फिर टूल बॉक्स से, फिर बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस एस की कॉम्बिनेशन। इसमें आप देख रहे होंगे ये इमेजेस, इमेजेस आप नीचे देख रहे होंगे, एक इमेजेस पहले बिफोर क्या था, बिफोर शेयर टूल्स ये इमेजेस है, ये क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन यूज करके, ये आफ्टर यूजिंग शेयर टूल्स, इसमें क्या हो गया शिफ्ट प्लस एस कम्बिनेशन यूजिंग के बाद। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर टूल्स है ये इमेजेस हॉरिजॉन्टली शेयर हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टली शेयर विल शिफ्ट। अपर पार्ट क्या होता है, लाइट में हो सकता है, लोअर पार्ट में हो सकता है, हम इसे सेवरल तरीके से इस पाथ को यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम परस्पेक्टिव टूल्स देखेंगे, परस्पेक्टिव टूल्स में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे इमेजेस ये होते हैं, चेंज होते हैं। द परस्पेक्टिव टूल्स इज यूज टू चेंज द डायमेंशन। ये भी अलग तरीके से लेयर्स को एक्टिवेट करते हैं, इन कंटेंट को और सिलेक्शन कंटेंट ऑफ ए पाथ। इसमें हम यूज कर सकते हैं परस्पेक्टिव टूल्स, हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। पहले हम क्लिक करेंगे टूल आइकन, फिर टूल बॉक्स बाय यूजिंग, फिर इसमें हम क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस पी कॉम्बिनेशन। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये परस्पेक्टिव आ जाएगा, फिर इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, फिर इस तरीके से हम इमेजेस यूज करेंगे,
जो यहाँ पे ये इस तरीके का आप इमेजेस देख रहे हैं, जो चेंजिंग करने पे यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन और डिफरेंट लेयर से ये इनके पाथ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके के ये इमेज आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे पहले ये कैसा था, ऐसा था, और बाद में हम इसमें पर्सपेक्टिव यूज कर दिए तो बाद में ये क्या हो गया, आफ्टर यूजिंग पर्सपेक्टिव इस तरीके से आ गया। अब हम आगे देखेंगे फ्लिप एंड इमेजेस। फ्लिप एंड इमेजेस में हम देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस को हम अदर डायरेक्शन में हम लुक करते हैं फ़ोटो को। इसमें आप देख रहे होंगे यू नीड टू टॉप ऑफ द इमेजेस बटन बॉटम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज को डेवलप कर सकते हैं मिरर इमेजेस को। पहले राइट क्लिक करेंगे इमेजेस को, फिर हम मेनू टूल्स में जाएंगे, फिर ट्रांसफॉर्म टूल्स में जाएंगे, फिर फ्लिप पे जाएंगे, फिर हम यूज द बटन टूल बॉक्स। यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे, पहले हम ट्रांसफॉर्म टूल्स पे जाएंगे, फिर इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं सेलेक्शन टूल्स, पेन टूल्स, लेकिन हमें कहाँ पे जाना है, ट्रांसफॉर्म टूल्स पे। फिर हमें कहाँ जाना है, ट्रांसफॉर्म टूल से फिर हमें फ्लिप पे जाना है, हमें इमेजेस को फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब कि हमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना है इमेजेस को। पहले अगर ये लेफ़्ट इमेजेस दिख रहा था, अगर लेफ़्ट है तो ये मिरर इमेजेस में हमें राइट इमेजेस दिखेंगे। आप देख रहे होंगे इमेजेस, ये आप एक ब्रिज देख रहे हैं, ये ऐसे है, ये अगर एल एक ब्रिज है, ये एल टाइप दिख रहा है तो ये अपोजिट एल टाइप हो जा रहा है। ओके, ये हम देख रहे हैं इमेज बिफोर इमेजेस फ्लिपिंग देख रहे हैं, ये बिफोर इमेजेस देख रहे हैं, फिर ये आफ्टर इमेजेस देख रहे हैं मिरर के रूप में। अब हम आगे पढ़ेंगे रोटेट इमेज के बारे में। रोटेट इमेजेस क्या हैं, रोटेट इमेजेस में भी हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, फिर उसमें हम रोटेट में दो चीज़ होते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे, दिस टूल्स हैव टू रिसॉल्व द लेयर पाथ एंड सेलेक्ट पोर्सन इन द इमेज। इसमें भी हम क्या करते हैं, पाथ को करते हैं, इमेजेस के पोर्सन को कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डायरेक्शन पे जा सकते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक द इमेजेस, फॉलो द मेन्यूज, पहले इमेजेस पे जाएंगे, फिर ट्रांसफॉर्म्स पे जाएंगे, फिर रोटेट क्या है 90 डिग्री और 270 डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन। इसमें हमारे पास बहुत सारे दो तीन और ऑप्शन है, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, रोटेट 180। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री और 270 डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन इमेजेस को। ये हमारे पास बिफोर था इमेजेस, ये हमारे पास बिफोर इमेजेस था, फिर इसे जब हमारा 90 डिग्री पे हुआ 270 डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, तो ये फिर आफ्टर ऐसे इमेजेस हो गया। फिर अगर हम आगे देखेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल्स क्या है, ब्लेंड टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लेंड टूल क्रिएट ए न्यू कलर बाय ग्रेजुअली मिक्सिंग मल्टीपल कलर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लेंड टूल से हम मिक्स कर सकते हैं मल्टीपल कलर्स को, इस मल्टीपल कलर्स को यूज कर सकते हैं। दिस टूल्स फिल्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया को सिलेक्ट करके हम इसके ब्लेंड कर सकते हैं, एक फर्स्टली फोरग्राउंड सेकेंड बैकग्राउंड कलर्स को। इसमें जो ब्लेंड होता है, ड्रैग द कर्सर इन द डायरेक्शन, इसमें हम ग्रेडियंट कर सकते हैं माउस बटन से। इसमें राइट पोजीशन साइज ऑफ योर ब्लेंड, हम इसमें कुछ भी जो कलर मिक्स करके कलर को हम ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी टू एक्टिवेट टूल्स। इसमें इमेज मेन्यू है, टूल्स है, इसमें पेन टूल्स है, फिर ब्लेंड पे जाएंगे, फिर बाय क्लिकिंग द एल कीवर्ड शॉर्टकट
एल कीवर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे हम इमेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट राइट ये सारे हम टूल्स आपको पहले भी बता चुके हैं। ये सेलेक्ट द फोरग्राउंड, सबसे पहले हम फोरग्राउंड एक सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, एक हम ओपन करेंगे पेजेस, इसमें हम बैकग्राउंड कलर लेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, टू कलर्स को एक साथ लेना चाहता है, अदरवाइज वाइट एंड ब्लैक कलर तो डिफ़ॉल्ट कलर्स होते ही हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे सेकेंडली, फिर इसमें हम कलर, इसमें बकेट से हम कलर कलर लेंगे यूजिंग बकेट कलर। फिर आप देख रहे होंगे कि हम इस ब्लेंड टूल से हम बहुत सारे कलर्स को एक साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट द एरिया टिल यू हैव ब्लेंड इफेक्ट, आप देख रहे हैं ये 1 2 3, तो हमने इसमें बताया ब्लेंड टूल से हम बहुत सारे कलर को एक साथ मिक्स करके इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लर और शार्पन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लर, ब्लर मोड क्या होता है कि जो कोई अगर इमेजेस है तो उससे हम इमेजेस को ब्लर कर सकते हैं पिक्सेल वगैरह चेंज करके इनसाइड ब्रश स्ट्रोक एरिया से। इसमें पिक्सेल जो होते हैं वो डिफरेंट इट्स नेबर, और इनसे हम इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट इनसाइड ब्रश स्ट्रोक एरिया। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टू इमेजेस मेन्यू को, इसमें टूल्स, फिर पेन टूल्स पे जाएंगे, फिर ब्लर एंड शार्पन पे। अब आगे हम देखेंगे कीबोर्ड यूज करके हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं शिफ्ट यू। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये फिगर आप देख रहे होंगे, इससे हम टूल से क्या कर सकते हैं ब्लर एंड शार्पन कर सकते हैं। कैसे, मोड नॉर्मल ले सकते हैं, इसकी ओपेसिटी ले सकते हैं, ब्रश से टू स्निकल्स ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे एक ब्लर है एक शार्पन है, इसे यूज करके अगर हमें ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हैं, अगर शार्पन यूज करना है तो हम शार्पन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, होल्डिंग डाउन कंट्रोल की टूगल बिटवीन ब्लर एंड शार्पन, इसमें हम ले सकते हैं या ब्लर, इसमें से बिटवीन में से दोनों में से एक चीज ले सकते हैं ब्लर या शार्पन, और सेटिंग से हम टूल ऑप्शन से इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेट कन्वो टाइप टू स्विच बिटवीन ब्लर एंड शार्पन, इसमें क्या है सेट द रेट, इसमें कैसे सेट द रेट हो रहा है, इसमें क्लिक ऑन द कैनवास एरिया कीप ऑन ड्रैगिंग द ब्रश अनटिल द डिजायर रिजल्ट इज ऑब्टेन, इसमें कैसे ब्रश से हम अपने डिजायर से हम कर सकते हैं। आगे हम इमेजेस के थ्रू बताएंगे तो और बेटर आपको समझ में आ सकता है कैसे एक इमेजेस है, पहले वो कैसे इमेजेस था अब वो कैसे इमेजेस रहेगा। ब्लरिंग कैन बी यूज सम एलिमेंट ऑफ योर इमेजेस इंस्टेंट टू मच, इसमें क्या होता है कि ब्लर एक होल लेयर हो सकता है, लार्ज पार्ट, एक पूरा इमेजेस भी हो सकता है, या एक छोटा सा पार्ट को भी हम ब्लर कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले इमेजेस कैसे था, अब ब्लर करने के बाद आप देख रहे हैं कैसे ये धुंधला सा फ्लावर्स दिख रहा है। शार्पन में क्या होता है, इसमें शार्पन में क्या होता है कि इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट होता है। शार्पन मोड में क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या होता है इसका जो लाइट होता है वो जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो इंक्रीज हो सकता है। इसे हम ब्रश से अप्लाई करते हैं। पहले ये शार्पन इमेजेस कैसे था, पहले ये इमेजेस कैसे था, फिर शार्पन करने के बाद ये इमेजेस, पहले लग रहा है ये ब्लर था, फिर ये मतलब सीधा हो गया, मतलब ये ब्लर और शार्पन एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, ब्लर में अगर इमेजेस अगर ऐसे रहता है तो ऐसे हो जाता है, और अगर शार्पन में इमेजेस ऐसे है तो ऐसे हो जाता है। ये शार्पन हो गया और ये ब्लर हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम स्मर्ज टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मर्ज टूल क्या है, स्मर्ज टूल से हम क्या कर सकते हैं, स्मर्ज कर सकते हैं। स्मर्ज टूल यूज करेंट ब्रश टू स्मर्ज कलर्स, इसमें भी हम कलर को क्या कर सकते हैं, स्मर्ज कलर कर सकते हैं। ये क्या है, स्मर्ज टूल इज वेरियस वे, इसमें हम टूल्स क्या करते हैं, पेंट टूल्स को लेंगे फिर स्मर्ज पे जाएंगे। इसमें क्लिकिंग टूल आइकन्स टूल बॉक्स प्रेसिंग एस की ऑन द कीबोर्ड, इसमें यूजिंग कलर विथ शिफ्ट,
यू कैन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगल ले सकते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन टू वेरी बाई स्टेप 15 डिग्री एंगल। इसमें स्मर्ज टूल में क्या कर सकते हैं, 50 डिग्री स्टेप्स ले सकते हैं। ओके, इसमें हम स्मर्ज में ब्रश से कलर को क्या कर सकते हैं, स्मर्ज कर सकते हैं। ब्रश से क्या कर सकते हैं, ब्रश से हम इमेजेस को स्मर्ज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पहले फर्स्टली इमेजेस है, तो ब्रश से क्या हो गया, ये स्मर्ज करने के बाद इस तरीके से ये इमेजेस आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे डॉज बर्न टूल शिफ्ट डी। डॉज बर्न टूल शिफ्ट डी, इसे हम कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करके भी हम ला सकते हैं। डज टूल यूजेज करेंट ब्रश। डज टूल क्या होता है कि हम इसे, डज टूल यूजेज जो ब्रश होता है उसे हम लाइटन कलर कर सकते हैं इमेजेस को, और बर्न टूल में क्या होता है कि हम डार्क कर सकते हैं, और मोड जो रहेगा उस टाइप ऑफ पिक्सल और पिक्सल टाइप पे और अफेक्टेड करेगा। इसमें डज टूल से इमेजेस लाइटेस्ट हो सकते हैं, बर्न से डार्क, और मोड से टाइप ऑफ पिक्सल अफेक्टेड कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी टू एक्टिव द टूल फ्रॉम द इमेज मेनू टूल पेंट टूल डज बर्न। अब आप देख रहे हैं इमेजेस, द टूल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाई क्लिकिंग द टूल आइकन बाई यूजिंग द शिफ्ट टी कीवर्ड शॉर्टकट। अब यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे होंगे, ये रहा इमेजेस। इमेजेस में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर डज है तो पहले कैसे इमेजेस था, फिर उसके बाद हमने देखा कि डज क्या करता था, डज हमारे ब्राइट करता था, और ये ब्राइट इमेजेस करता था। देख रहे हैं पहले ये इमेजेस कैसे था, अब कैसे है, और ये जो बर्न टूल है वो क्या करता है, इमेजेस को डार्क करता है। अब हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे। लेयर क्या है, लेयर क्या है, GIMP टर्मिनोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के रूप में यूज करते हैं, इज कॉल्ड लेयर। ये जो GIMP टर्मिनोलॉजी, ये लेयर, एक इमेजेस दूसरे पे आ सकते हैं तो वो एक दूसरे पे ट्रांसपेरेंटली लेयर के रूप में होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज द अपीयरेंस ऑफ द इमेजेस, यू टू वर्क विथ वन एलिमेंट एंड इमेजेस विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स। लेयर आर ट्रांसपेरेंट सीट, जैसे एक इमेज दूसरे पे है तो उसे एक पे एक लेयर, दूसरे तीसरे लेयर, जैसे केक पे ही रहते हैं तो केक पे एक लेयर रहता है, फिर दूसरा लेयर रहता है, तीसरा लेयर, उसी तरह इमेजेस पे भी एक लेयर, फिर दूसरे लेयर, फिर तीसरे लेयर, इस तरीके से लेयर होते हैं, उसे लेयर्स कहते हैं। एक न्यू इमेज GIMP, एक सिंगल लेयर्स। इसमें हम एडेड नंबर्स कर सकते हैं, एडिशनल लेयर्स, इसमें बहुत सारे हम लेयर को एडिशनली कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट एंड इमेजेस, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे हम न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिंग ए न्यू लेयर। इसमें न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे, फॉलो द स्टेप, लेयर मेन्यू, फिर फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेलेक्ट न्यू लेयर। अगर GIMP सॉफ्टवेयर अगर मतलब रहता तो हम आपको क्लास में बताते हैं कि कैसे GIMP लेयर से हम न्यू कर सकते हैं। आगे हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे इसे, कैसे GIMP सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन कर किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, और आगे कैसे वर्क करता है, और सारे इमेजेस के एग्जांपल भी आप देख रहे होंगे। इसमें हम नए इंटर द इंफॉर्मेशन, एक न्यू लेयर लेंगे जो ट्रांसपेरेंसी होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, ओवरलैप हो सकता है लेयर्स, जैसे कोई चीज़ भी एक ही इमेजेस है, इस पे दो तीन लेयर है तो ये एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप है,
और इसमें डिलीटिंग पोर्शन भी होता है इमेजेस के, आगे हम देखेंगे। लेकिन आप देखिए, आप देख रहे हैं कि लेयर के ऑप्शन, ये आप इमेजेस देख रहे हैं लेयर ब्रशेस, इसमें क्या है, इसमें एक मतलब ऑपसिटी यूज करने के लिए भी है, कलर्स के लिए भी है, रोटेट के लिए भी है। इसमें हम न्यू लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो लेयर नेम हो गया, उसकी विड्थ हो गई, उसकी हाइट हो गई, और हमें ट्रांसपेरेंसी पे ही लेना है कि एक दूसरे पे ट्रांसपेरेंट शो करे। फिर उसके बाद हम ओक बटन क्लिक करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि लेयर को हम रीनेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो टू रीनेम ए लेयर आफ्टर ए क्रिएटेड हाईलाइट द लेयर, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एडिट एट्रीब्यूट ए न्यू नेम। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये है। ये सबसे पहले हमें कोई लेयर क्रिएटेड करना था, उस लेयर को हाईलाइट करना था, तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम देखिए, इसमें है न्यू लेयर के लिए है, डुप्लीकेट लेयर के लिए है, मर्ज डाउन के लिए है, डिलीट लेयर के लिए है, स्केल लेयर के लिए है, एडिट लेयर के लिए है, आगे भी एडिट लेयर के लिए भी है, यहाँ पे एडिट लेयर के लिए भी है ऊपर, इसमें और सारे बहुत से ऑप्शन हैं आप देख रहे होंगे। इसमें हम शो लेयर मास्क कर सकते हैं, एडिट लेयर मास्क कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं। फिर हमें इसमें एडिट करना है तो आप देख रहे हैं एडिट लेयर ऑप्शन, ये लेयर प्रिंट दिख रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओक कर देंगे। यहाँ पे ऊपर बताया भी गया है कि कैसे हमें ये सब करना है, रीनेम कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, नेम कैसे चेंज करना है। आपने नेम चेंज किया होगा अपने सेलफोन में किसी का, ये देख रहे हैं क्रिएटेड है, राइट क्लिक करेंगे। फिर हम सेलेक्ट एडिट लेयर पे जाएंगे, फिर एट्रीब्यूट आएगा, फिर टाइप ए न्यू नेम, हम फिर उस पर न्यू नेम टाइप कर सकते हैं, फिर ओके क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे हम देखेंगे कैसे लेयर को डिलीट किया जाता है, कैसे लेयर को डिलीट किया जाता है। डिलीट ए लेयर आपको ऊपर भी ऑप्शन दिखाया गया था कि कैसे, उसमें हर चीज़ के ऑप्शन थे, एडिट के ऑप्शन थे, डिलीट के ऑप्शन थे, मर्ज के ऑप्शन थे, मास्क के ऑप्शन थे। तो उसी सेम प्रकार हम लेयर्स को डिलीट लेयर सेलेक्ट करके हम इसे प्रेस द बिन करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं ओक बटन करके लेयर टैब्स। अब हम मर्ज करेंगे, मर्जिंग ए लेयर, कैसे एक दूसरे पे हमें मर्ज करना है, एक इमेजेस को दूसरे में मर्ज करना है। ये मर्जिंग लेयर है, मर्जिंग लेयर में हम देख रहे हैं मर्जिंग लेयर, टू मर्ज लेयर। सबसे पहले हम दो इमेजेस को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे वन इमेजेस ये है, टू इमेजेस एक अर्थ है और दूसरा ब्रिज है। अब हमें मर्ज करना है, ये आप देख रहे हैं फिगर में। फिर ये देख रहे हैं आप मर्ज ऑप्शन, आप देख रहे होंगे इसमें, ये देखिए मर्ज डाउन है, तो हम एक दूसरे को मर्ज करने के लिए अप डाउन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है यहाँ पे मर्ज विजुअल लेयर भी कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, एक मर्ज वाला है यहाँ पे, एक मर्ज विजुअल ऑप्शन है, एक मर्ज डाउन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ये फर्स्टली है, ये सेकेंडली है। तो दो तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये राइट क्लिक, यहाँ स्टेप टू में राइट क्लिक द लेयर एंड सेलेक्ट द मर्ज डाउन आर मर्ज विजुअल ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें मर्ज डाउन कर सकते हैं, इसमें लेयर राइट बिलो, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, आपको बता भी चुके हैं, मर्ज डाउन से और दूसरा मर्ज विजुअल से। इसमें दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक मर्ज डाउन यहाँ पे एरो से सैम्बल्स से दिखाया गया है, एक मर्ज विजुअल लेयर से। तो हम दो इमेजेस को, तीन इमेजेस को, मतलब बहुत सारे इमेजेस को एक साथ हम मर्ज कर सकते हैं, एक मर्ज डाउन के थ्रू, एक मर्ज विजुअल के थ्रू।
अब आप रिजल्ट खुद देख रहे होंगे कि कैसे ये मर्ज हैं। ओके, ये आप इमेजेस देख रहे हैं, रिजल्टेंट द इमेज आफ्टर मर्जिंग द टू लेयर्स। ये जो टू लेयर्स हैं ये मर्ज होके विजुअल लेयर्स के थ्रू हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब हम आपको स्केलिंग ए लेयर देखेंगे, मतलब अब हम स्केलिंग ए लेयर पढ़ाएंगे। इसमें स्केलिंग लेयर में क्या है, स्केलिंग लेयर 4.5, इसमें रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं स्केलिंग लेयर में, रिसाइज कर सकते हैं लेयर को। और इसमें जो इमेजेस लॉसेस होती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो स्कैंड कर सकते हैं। डिस्प्ले डायलॉग, इसमें जो डायलॉग बॉक्स है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कमांड के थ्रू। इसमें पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, जो कंसर्निंग द साइज लेयर है, इमेजेस क्वालिटी है, उन्हें भी हम सही कर सकते हैं। इसमें हम कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो मेनू बार है, जो लेयर स्केल है, उस पर हम जाके इस पर देख सकते हैं आगे डायलॉग बॉक्स में। ये देखिए, इसमें बहुत सारे लेयर ऑप्शन है। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, मर्ज डाउन के थ्रू ऊपर मर्ज कर चुके हैं, न्यू लेयर के थ्रू न्यू लेयर ला चुके हैं हम। आगे हम डुप्लीकेट लेयर भी पढ़ेंगे, इसमें मास्क भी पढ़ेंगे आगे। इसमें स्केल लेयर पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हम। इसमें आप देख रहे हैं स्केल लेयर के थ्रू हम इसमें पिक्सेल से हम इसमें विड्थ हाइट सेलेक्ट करके हम आगे स्केल लेयर कर सकते हैं। विड्थ हाइट के थ्रू हमें क्यूबिक चाहिए क्यूबिक फॉर्म में, तो हमें क्यूबिक फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर स्केल पे हम कर सकते हैं। इसमें पिक्सेल को कम करने के लिए इमेजेस की क्वालिटी को हम रिसाइज कर सकते हैं विड हाइट के थ्रू। ओके, अब हम डुप्लीकेट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। डुप्लीकेट लेयर क्या है, डुप्लीकेट लेयर एक जैसे एक इमेजेस है उसी का डुप्लीकेट सेम टू सेम इमेजेस बनाना है तो उसे डुप्लीकेट लेयर कहते हैं। डुप्लीकेट लेयर कमांड एडेड ए न्यू लेयर, इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एक न्यू लेयर अपने से एक डुप्लीकेट बनाया जाएंगे, सेम बन जाएंगी डुप्लीकेट लेयर में, प्रीवियस लेयर की एक कॉपी बन जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रीवियस लेयर की क्या हो जाएगी, एक कॉपी बन जाएगी, कॉपी अपेंडेड टू इट ओरिजिनल लेयर की। यहाँ आप देख रहे हैं यू कैन क्रिएट ए डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पे हम डुप्लीकेट लेयर को बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक इमेजेस उसी तरह हम एक कॉपी बनाएंगे वो डुप्लीकेट लेयर होगा। इमेजेस मेन्यू देख रहे हैं लेयर, इसमें डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, लोकल पॉपअप मेन्यू, इसमें राइट क्लिकिंग डायलॉग बॉक्स। अब हम डायलॉग बॉक्स को अच्छे से देखेंगे। इसमें देखिए एक ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं। फर्स्टली हम इसमें न्यू लेयर बनाने के लिए यूज कर ही चुके हैं, और मर्ज डाउन कर चुके हैं, डिलीट लेयर यूज कर चुके हैं, स्केल लेयर भी यूज कर चुके हैं, अब हम यूज कर रहे हैं डुप्लीकेट लेयर। इसमें ये देख रहे हैं इमेजेस, इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है, तो ये क्या होता है कि हम इसे एक कॉपी कर सकते हैं, इसी तरह सेम लेयर का कॉपी कर सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि डुप्लीकेट लेयर, उस कॉपी को ही हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट लेयर। अब हम आगे पढ़ेंगे मास्किंग के बारे में। मास्किंग क्या है, मास्किंग क्या है, किसी एक पार्ट को मास्किंग करना, जैसे एक पार्ट को दिखाना, एक पार्ट को छुपाना। एक पार्ट को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक पार्ट को छुपा सकते हैं। आजकल लॉकडाउन में मास्क क्या है, जैसे एक पार्ट, जैसे हमारा फेस जो है वो क्या है, वो क्या हो रहा है, वो छुपा हुआ है, और उसके ऊपर जो मास्क है वो क्या है, दिख रहा है। आप मतलब ये तो आप कंप्यूटर से है, लेकिन इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है तो आप मास्किंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं, मास्क। फिर हम देख रहे हैं मास्किंग के बारे में। मास्किंग, द मास्क इज जी आई एम पी,
वे आर शोइंग फुल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेक्शन. मास क्या कहता है, ऑल्सो प्रोवाइड एबिलिटी टू इंट्रैक्ट. इसमें क्या कर सकते हैं हम, फोटोशॉप के थ्रू हम मतलब कि एक पार्ट को दिखा सकते हैं, एक पार्ट को छुपा सकते हैं, जो ये उसे हम क्या कहते हैं इजीली एडिट कर सकते हैं टचिंग द लेयर. अब हम देख रहे हैं स्टेप वन में द स्मॉल आउटलाइन लोअर लेफ्ट इमेजेस विंडो टू टॉगल क्यूब मास्क. इसमें क्या कर सकते हैं हम, सेलेक्ट टॉगल कर सकते हैं, जिसके बाद हम क्यूब मास्क भी यूज कर सकते हैं. इसे मर्चिंग, इसे क्यूब मास्क मोड के थ्रू मर्चिंग कर सकते हैं, एंड मोड मर्चिंग एट मोड्स के थ्रू. यू कैन ऑल्सो यूज सेलेक्ट टॉगल. यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट टॉगल के थ्रू हम यहाँ पे इमेजेस दिख रहा है आपको डायलॉग बॉक्स में. इसमें टॉगल क्यूब मास्क है जिसमें ये इमेजेस स्वैप कर रहा है. एक इसमें हम देखिए क्यूब मास्क मोड द सिलेक्शन मोड सून ट्रांसलेंट ओवर लाइन द इमेजेस हुज ट्रांसपेरेंसी. ये क्या ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें पिक्सल आप डिग्री लेते हैं सेलेक्ट करके, इसमें एक पार्ट को हमें दिखाना है, एक पार्ट को छुपाना है. ओके, बाय डिफॉल्ट द मास्क इज सून इन रेड बट यू कैन चेंज दिस अनदर मास्क कलर इज मोर कन्वीनियंट. अब हम एडिटिंग मास्क पढ़ेंगे. एडिटिंग मास्क के थ्रू टू एडिट ए मास्क अब मास्क को कैसे हमें एडिट करना है. टू एडिट ए मास्क द चैनल टैब सेलेक्ट क्यूब मास्क. पहले हम चैनल टैब्स करेंगे पर जाएंगे, फिर क्यूब मास्क पे जाएंगे, फिर इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम ओपन ड्रॉप डाउन करेंगे, फिर मेनू ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट एडिट चैनल एट्रीब्यूट, फिर हम कलर को चेंज करेंगे. यहाँ आप डायलॉग बॉक्स में देख रहे होंगे कि कैसे कैसे ऊपर जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे हम यूज करेंगे. इसमें सबसे पहले तो हमें चैनल टैब्स पे जाना था तो हम गए थे, फिर क्यूब मास्क मोड के थ्रू में जाना था तो फिर राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे जाके सेलेक्ट चैनल एट्रीब्यूट के थ्रू हमें ये देखिए क्यूब मास्क पे हम गए हैं, फिर ये एडिट चैनल एट्रीब्यूट आ गया, फिर इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्यूब मास्क कैपेसिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें जो भी करना है न्यू चैनल एडिट चैनल एट्रीब्यूट पे हमें जाना था, सबसे पहले हमें चैनल पे जाना था फिर उसके बाद हमें जाना था क्यूब मास्क पे, फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना था एडिट चैनल एट्रीब्यूट पे जाना था. तो हम यहाँ पे आ गए, फिर इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे तो इसमें चैनल नेम क्यूब मास्क है, फिर हम इसे कैपेसिटी कर सकते हैं, फिर ओक कर सकते हैं. इस जो सेट है इस सेटिंग को हम सेट कर सकते हैं प्रेस ओक करके. कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, कितना कलर चाहिए, कितनी कैपेसिटी की कलर्स चाहिए, कलर चेंज भी कर सकते हैं बहुत सारे मास्क के थ्रू एडिटिंग के थ्रू. फिर आप स्टेप थ्री देख रहे हैं यहाँ पे एडिट चैनल कलर्स के रूप में, एडिट कलर चैनल्स के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं. हम दो कलर तीन कलर बहुत सारे कलर एक साथ कलर लेके मर्ज करके हम कलर बना सकते हैं, फिर वो कर सकते हैं. फिर वो जो आपको हम बताए थे वो एक फिगर इसके पहले आप देखे थे यहाँ पे, देखिए हम आपको ये इमेजेस दिखा रहे थे, ये आप इमेजेस देख रहे होंगे. ये इमेजेस कैसे हैं, हमें एक पार्ट को दिखाना है एक पार्ट को छुपाना है. तो अब हम इसे एडिट कर रहे हैं, कुछ इसमें ऐसे आपके ब्लर हो रहे हैं एडिट हो रहे हैं इमेजेस, तो आगे यही इमेजेस जो हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कैसे कलर एडिट चैनल के थ्रू यहाँ पे इमेजेस का ऐसे हो चुका है. सबसे पहले ये क्या था, इमेजेस ऐसे था बिफोर मास्क
के मतलब सबसे पहले ऐसे था बिफोर मास्क के थ्रू, फिर जब हम इसे एडिट कर दिए इसमें कलर के कलर वगैरह, इसमें हम बहुत सारे कलर्स लेके जब हम इसे एडिट कर दिए तो ये देखिए ऐसे आ चुका है। ये क्या हो गया, मास्किंग करने के बाद, ये आफ्टर मास्किंग है। ये यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे आफ्टर मास्किंग है। ओके, अब इसमें क्या है, एक लेयर क्या है, एक पार्ट को जो एक पार्ट है ये दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, छुप गया है। तो ये क्या है, एडिट मर्जिंग है। अब आगे हम समरी के बारे में पढ़ेंगे। समरी में क्या है, जी आई एम पी समरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जी आई एम पी क्या है, जी आई एम पी है जी एन यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये क्या है, जी आई एम पी जी एन यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसमें जैसे भी है इस चैप्टर में एडवांस टूल में हम इमेजेस को कैसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स के थ्रू, वही उन्हीं सबको बताया गया है। ये क्या है, पावरफुल ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग टूल है, जिसके साथ हम फोटो को रीटचिंग के थ्रू हम बहुत सारे फ़ोटो को कंपोजिशन ऑफ फ़ोटो को चेंजेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, एलाइन टूल है, जिससे हम एलाइन कर सकते हैं इमेजेस को, वेरियस इमेजेस ऑब्जेक्ट्स को। और इसमें हम देख रहे हैं कि स्केल टूल्स के थ्रू हम यूज किए हैं, स्केल टूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते थे, हम साइज को स्केल लेयर्स के थ्रू हम छोटा बड़ा कर सकते थे। ठीक है, शेयर टूल्स के थ्रू हम कर सकते थे इमेजेस को शिफ्ट वन पार्ट ऑफ एन इमेजेस, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट को दबा सकते थे, डायरेक्शन चेंज कर सकते थे, अपोजिट डायरेक्शन कर सकते थे। परस्पेक्टिव टूल्स में हम उसमें जो चेंजेस थे मतलब परस्पेक्टिव टूल्स में लेयर्स के चेंजेस आके चेंज करना, और फ्लिप टूल्स में हमने रोटेट इमेज को किया था लेफ्ट राइट अप डाउन, इसमें इमेजेस के डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से चेंज किया था। रोटेट टूल में हमने रोटेट लेयर्स किए थे, और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल में ग्रेडियंट ब्लेंड करके हमने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स यूज करके, बहुत सारे कलर यूज करके हमने ब्लेंड किया था। शार्पन टूल के थ्रू हमने इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट किया था ब्रश अप्लाई करके, और फिर ब्लर टूल के थ्रू हमने इमेजेस को ब्लर किया था, जो एरिया है इमेजेस के ब्लर इज अप्लाइड। स्मज टूल के थ्रू हमने करेंट ब्लर ब्रश के थ्रू स्मज कलर किया था, और डस्ट टूल यूज द करेंट ब्रश टू लाइटन कलर इन योर इमेजेस। डस्ट टूल के थ्रू हमने क्या किया था, डस्ट टूल के थ्रू हमने लाइटन किया था, बर्न टूल के थ्रू हमने इमेजेस को डार्क किया था, इरेज टूल के थ्रू हमने इरेज किया था, पेंसिल टूल के थ्रू हमने किसी इमेजेस पे ड्रा करना है, कुछ लिखना है कैनवास तो उसे हमने किया था, पेंट ब्रश के थ्रू हम पेंट कर सकते थे, लेयर्स ट्रांसपेरेंट शीट वन टॉप ऑफ द अदर। मास्किंग के थ्रू आपने देखा ही लास्ट में हमने मास्किंग कैसे किया, उसके इफेक्टेड कैसे हुए। इसमें मास्किंग के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन आए हमारे पास, इसमें कलर्स लेबल में आए एनी कलर, कलर कर्वेश कैसे कर सकते थे, इसमें आरजीबी कलर मोड था, इसमें नीड इसमें लेयर ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते थे, एडेड अल्फा चैनल भी कर सकते थे, इमेज फ्लैटन इमेजेस को भी कर सकते थे, इसमें हम रीटचिंग टूल्स के थ्रू हम अरेंजमेंट कर सकते थे पिक्सेल का, टूल्स अवेलेबल इन जी एम पी। इसमें हम आगे पढ़े थे ब्रश एंड पेंसिल टूल कैसे यूज हुआ था, इरेज टूल कैसे हुआ था, ब्लेंड टूल कैसे हुआ था, ब्लर और शार्पन टूल कैसे हम यूज किए थे, स्मज कैसे किए थे, डज एंड बर्न टूल, डज से हमने कैसे हमने लाइट किया था, और बर्न के थ्रू कैसे हमने डार्क किया था इन टूलों के थ्रू। थैंक यू क्लास, आज आपका एक्सरसाइज आपका लेसन 2 GIMP एडवांस ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।